नमस्कार दोस्तों, राम क्लास यादव दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे जो गाय है, अगर सीमन कराने के बाद भी दूसरे दिन भी अगर बोलती है तो क्या हमारी गाय गाभिन होगी। तो दोस्तों ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो गाय होती हैं सीमन करा दिए हैं फिर भी उस दिन तो बोल ही रही है लेकिन दूसरे दिन भी बोल रही है, तो क्या हमारी गाय गाभिन होगी। ये अक्सर दोस्तों एचएफ गायों में देखने को मिलता है, जो फ्रीजियन की गाय होती हैं एचएफ की होती हैं उसमें अधिकतर ऐसा देखने को मिल जाता है कि वो 24 घंटे यानी 36 घंटे तक भी हिट पर रहती हैं, यानी एक दिन दो दिन। तो उसमें क्या है, आप लोग समझ नहीं पाते और सीमन करा देते हैं, डॉक्टर आते हैं वो लोग भी सीमन करके चले जाते हैं, तो वो गाय क्या है दूसरे दिन भी बोलती रहती हैं, तो क्या वो गाय गाभिन होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों अगर वो दूसरे दिन भी बोलती है तो बिल्कुल गाभिन नहीं होगी। मान लीजिए अगर आप सीमन करा दिए हैं तो आधे घंटे या एक घंटे तक बोलकर चुप हो जाती है तो समझ लीजिए कि वो गाभिन होगी। अगर लगातार बोलती रही 5 घंटे 6 घंटे तो नहीं होगी। तो इससे दोस्तों यही आपको यही करना है कि आपको देखना है कि आपकी गाय कौन सी है, एचएफ की है कि देसी है साहीवाल है, मतलब अलग अलग जो गाय हैं अलग अलग जो है समय ज़्यादा लेती हैं कोई कम लेती हैं उसके हिसाब से हिट में रहती हैं। तो आपको दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी गाय एचएफ की है तो उसे आप ध्यान दें कि 12 घंटे 24 घंटे मतलब कितने देर तक वो रहती है, 24 घंटे भी रह सकती है 36 घंटे भी रह सकती है, तो उसके हिसाब से आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही सीमन कराएं। तो या तो ऐसा भी दोस्तों देखने को मिल जाता है कि उन्हें सीमन मान लीजिए अब 24 घंटा हो गया या 28 जैसे 30 घंटा 36 घंटा हीट में रहती है, कोई गाय 24 घंटे हीट में रहती है तो उसे 20 घंटे के अंदर अंदर सीमन करा दीजिए, उसके बाद उसे ठंडक मिलाने के लिए आप जो है सीमन कराने के बाद तुरंत उसे आधा किलो या एक पाव चीनी दे सकते हैं पानी में घोल कर, यानी 1 लीटर पानी में आप घोल करके वो चीनी दे सकते हैं। चीनी ठंडी होती है वो दोस्तों आप भी जानते हैं, उससे जो है एकाएक आपके जो पशु है उसे उसके शरीर में ठंडक मिलेगा और वो ठंडी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमें ऐसा कई बार कमेंट मिला कि सर जी चीनी गर्म होती है, कोई बोलता है नहीं ठंडी नहीं होती है। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर यही है कि अगर आप सुबह सुबह चीनी जो है रस बनाकर पी लेते हैं तो आपको सर्दी हो जाती है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो चीनी जो है ठंडी होती है। ऐसा दोस्तों डॉक्टरों का भी मानना है, हमें भी ऐसा कई बार डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप सीमन कराने के बाद अपने पशु को चीनी पिला सकते हैं ठंड में लाने के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर हमारे को अच्छा वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो।